नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बरनाला रोड पर स्थित आवास पर कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर की जेलों पैरोल और फरलो पर छोड़े गए कैदियों की पैरोल और फरलो अवधि पहले से आत्मसमर्पण की तारीख से 6 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय उन सभी कैदियों व बंदियों पर लागू होगा जिनकी पैरोल 20 अप्रैल 2020 को हुई। बैठक में ये 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के मद्देनज़र अंतरिम जमानत और पैरोल और फरलो आदि वापस आने वाले कैदियों व बंदियों के लिए कोविड-19 की जांच तथा 14 दिन के क्वारंटाइन करना अनिवार्य होगा। वहीं आपात आधार पर छुट्टी पर गए जेल कर्मचारियों को वापस लौटते समय अनिवार्य रूप से कोविड जाँच करवानी होगी। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। देखिए, ऐसे 4,000 आदमी हैं जिन्हें हमने इंटरिम बेस या फिर पैरोल पे छोड़ा है। उनके लिए, क्योंकि अब इस वक्त कोरोना वाला जो मामला है, किसी को अंदाजा नहीं क्या होगा। ये मामला काफी गंभीर है, विश्व रूपी एक महामारी है। तो जो बाहर आए हैं उनमें से, क्योंकि पहले एक आधा वार्डन जो छुट्टी गया उसे शक हुआ तो फिर हमने उसे बाहर आइसोलेशन में रखा। अब 4,000 आदमी एकदम जाएंगे, डिफरेंट गांव से जाएंगे, तो बहुत बड़ा जोखिम है। बाई चांस किसी के हो तो जेल में इतने आदमी है, 25-30,000 से ऊपर संख्या है, तो उसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। इस करके हमने समझा, क्योंकि हमारे जो माननीय राजीव जी हैं हाई कोर्ट के जज राजीव शर्मा जी, उनके 3 आदमियों की कमेटी बनी है जो पहले सारे इसकी पैरामीटर्स तय करे थे कि किस तरीके से इनको पैरोल दी जाए, उसके लिए क्या नियम तय करे जाए। उसमें हाई कोर्ट के माननीय जज राजीव शर्मा जी थे, हमारे होम सेक्रेटरी विजयवर्धन जी थे और हमारे DGP श्री सेल्वराज, तीनों ने मिल के तय करा था सारी गाइडलाइंस। और उसमें अब हम नहीं चाह रहे कि वो, तो इस करके दोबारा फिर उन्हीं की कॉन्सेंट से एक नया आदेश जारी कर दिया कि अगले 6 हफ्ते, मतलब आप मोटा मोटा 1.5 महीना समझें, इतने तक पोजीशन कुछ क्लियर होगी। क्योंकि अभी पता नहीं कितने दिन चाइना में हट के दोबारा शुरू हो गया, अमेरिका यूरोप में पिछले 3 महीने से बराबर वही सिचुएशन चल रही है। तो इस करके हमने इसे 6 हफ्ते और बढ़ा दिया। उसके बाद जो भी होगा फिर हमारे हाई कोर्ट के माननीय जज से टाइमली अपनी सलाह करी जाएगी। अभी 6 हफ्ते के लिए हमने सबको जो इंटरिम बेस पे थे, पैरोल पे थे, उन्हें एक्सटेंशन दे दी। जेलों में अभी हमारे कोई केसेस नहीं है, सब जेलों में बराबर चेक हो रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, कहीं भी अब तक कोई केस नहीं आया। एक आधा कोई बाहर गया था, उनका भी पहले पॉजिटिव आया, बाद में चेक हुआ तो नेगेटिव आ गए, पर उन्हें भी अभी हमने अंदर नहीं जाने दिए। हमारे रोज पहले प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, आज फिर प्रधानमंत्री जी, सभी मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस में हैं। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है हमें नए मैसेजेस आ जाते हैं, तो बड़ा आपस में टीम वर्क, बहुत कोहेसिवनेस और कोऑर्डिनेशन हमारी ठीक है। मुख्यमंत्री जी रोज लोगों से एड्रेस, परसों भी उन्होंने पूरे हरियाणा को एड्रेस करा था, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ गाइडलाइन आएगी हम तुरंत करेंगे। सिरसा में लोगों से हमारा अभी भी कहना है कि ठीक है, कुछ मामलों में रिलैक्सेशन दिया गया है, जो गांव में इंडस्ट्रीज है उन्हें काम करने में, क्योंकि एक रेवेन्यू लोगों का, रोजगार भी एक बहुत मोटा काम है लेबर का भी। दूसरा, खेती के मामले में हमें फार्मर्स को छुट्टी देनी पड़ी, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी फसलें थी, 1,000 एकड़ में थी, तो बिना फार्मर्स के काम करे ये काम नहीं हो सकता था, और उसमें 1 हफ्ता भी आगे नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। बाजार में भी एक साइड का मार्केट खुलेगा, दूसरा नहीं खुलेगा, दूसरे दिन दूसरा खुलेगा, वो साइड बंद हो जाएगी। और लोगों से भी ये कहा है कि सोशली अपना डिस्टेंस मेंटेन करें। दुकानदारों से भी ये कहा गया है कि जान टूटेगा उसका अगले दिन दुकान का शटर बंद करवा देंगे। तो मैं समझता हूँ सिरसा में अब तक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। हम उसमें ग्रीन जोन में तो नहीं है, एक आधा केस होने पे ऑरेंज जोन में आ गए, पर हमारी पालना वैसे ही कर रहे हैं। मेरे ख्याल में यह नहीं होना चाहिए, हमारा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। हमने बिजली के मामले में भी थोड़ा करा है कि लॉकडाउन जब तक रहेगा, अगले 3 महीने, मतलब जब से शुरू है तब से हमने 3 महीने का जो डोमेस्टिक कनेक्शन के जो बिल है वो हमने एक बार पोस्टपोन कर दिए। उसमें कोई भरना चाहे भरते, पर अब कोई वो नहीं है कि इसने टाइम तक, उस पर खाली जो बेसिक अमाउंट है वही लगेगा, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। और इंडस्ट्री के मामले में भी हमने कुछ उन्हें कंसेशंस दिए हैं कि वो अपना इंस्टॉलमेंट्स में पैसे भर दें, 6 ईजी इंस्टॉलमेंट्स कर दी। और ये भी कर दिया कि उन्हें जो बेसिक अमाउंट है उस पर कहीं 25% कहीं 20% इस तरीके का एक कंसेशन भी दिया।